अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम प्रभु की आई, राख प्रभु चली ठाकुर पहार। लोगन की चतुराई उपमा, की चतुराई उपमा, लोगन की लोकन की चतुराई उपमा, ते बसंतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो, कोई भला कहो पावे बुरा कहो। हम तन दियो है ढार, अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी,
तिस राखो कृपातार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार, अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पामे मार, अब हम चली ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर पहार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरे, तिस राखो कृपा धार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। हम मांगो शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया भगत बछल हर बिरद है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति, रामाज रखाया जन नानक शरण तुम्हारी हर। शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले, जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, जन जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले, पाए गए जब ते तुमरे तब ते कौं आंख तरे नहीं, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक नमा, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान, श्री अस्पान कृपा तुमरी मैं कहो सब तो है बखाने हो, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो। युग
पावे तू राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दा सर कांडिया हर लाज रखाए। जन नानक सरन तुम्हारी हर जियो कर आसा आयो प्रभ मांगन तुमरी शरण कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखक शोभा मेरे आंगन। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पर भूले सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाय। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। सतगुर आयो शरण तुहारी टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। सदपक संत सदा मेहरबाना सबना दे आदारी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक सबना दे आधारी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे। जेहबा एक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न किन्ही लहिए तुमरी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाल। नानक करके गोले गोले जी। जन नानक शरण तुम्हारी देह शिवा पर मोह यह सब कर मन दे कबहू न डर। न डरू अर सिंह जब जाय लर निश्चय कर अपनी जीत कर। अर सिखाओ अपने ही मन को यह लाल चो गुण तो। जब आप की ओद निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरू। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण हमरे दुष्ट सब तुम कहो आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करता राजी। जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो। पीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे। सुख होवे दिन राती जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो।
कृपा दृष्टन जाय नहर हो ताके ताप तनक मोहर रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छो सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा जी जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो रख ले हो दीन दयाल परमत बहार जन नानक जन नानक जी पाठ पढ़ो अरबेद विचार्यो निवल भयंगम साधे पंच जनासो संग न छुटक्यो अदक अहम बद बाद प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार प्रयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका जी जन नानक शरण तुम्हारी हार जियो हम अपराधी गुनहगार हूँ बेमुख मंदा चोर यार जुवार हूँ पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विसास काती अकृत कहन मैं को न रहंदा सिमर मुरीदा ठाडिया सतगुर पख संदा जी जन नानक तुम्हारी हर जियो उज्जवल वीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गहले हो अंगुरिया श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आवत द्वार टुत पिंगुरिया दीनानाथ अनाथ करुणा में साजन मीर पिता मह करिया जन नानक शरण तुम्हारी शब्द चौथे पातशाह जी का उच्चारण किया होया अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावे मार कंप्लीट सरेंडर कर देना जिसनों कहते हैं अपने आप को अपने गुरु तो नछावर कर देना गुरु तो कुर्बान कर देना पातशाह कहते हे प्रभु हम तेरी मर्जी है राख प्रभु भावे मार लोकन की चतुराई उपमा ते बसंतर जार कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो है ठार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार अपने वास्ते की अरदास की थी हे प्रभु मेरी पत मेरी इज्जत मेरी लाज रख लई हाँ जो भी तेरी शरण आण उन्हां ते तू मेहर भरी दृष्टि पा जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार उन्हां ते कृपा करो उन्हां दी रख्या करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार जदों इस तरह दा शब्द दी तुक आ जावे हुण शरण दी आई कोशिश कीती गुरबाणी विचों अलग अलग बाणियां विचों सुखमी साहिब दे विचों चौपाई विचों सवैये दोहरा इकत्तर करके उसी तुक दे नाल मिलदे प्रमाण देण दी कोशिश कीती प्रमाणा वाला कीर्तन एक तुक ते खड़ जाना फिर उसनु होर पुख्ता करन वास्ते प्रमाण देने ये गुड़ती ये जाच ये सिखलाई जथेदार साहब ने दित्ती सानू ते क्योंकि शब्द है असी सब गुरु दी शरण विच आए हाँ कोई शरीरक तौर ते दुखी है कोई मानसिक तौर ते दुखी है कोई परिवारक तौर ते दुखी है कोई समाजिक तौर ते दुखी है कोई राजनीतिक तौर पर दुखी है कोई फाइनेंशियली दुखी है दुखी सारे ही हैं हाँ दुख अलग अलग हैं पातशाह दा शब्द कहते हे प्रभु देखो भावना अपने आप में असी अपने आप में बहुत सियाणा समझ के कोई भी गल करते हैं पर पातशाह सानू समझाते हैं नहीं गुरु की हजूरी भी जाना है एक छोटा बच्चा बन के जाओ जिसनों अजे जमाने की समाज की मैल नहीं लगी है
पातशाह कहिंदे पुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लिहो अंगुरिया। हे प्रभु तुसी भारी पुजावां वाले पुजा मेरे बाहां बाजू बल बीर हो बहुत बलवान हो पर मैं तुहाडा बच्चा हां मैं डिगदा पिया तुसी मेरी उंगली पकड़ो गरत परत मैं डिगदा पिया हां गह लिहो अंगुरिया मेरी उंगली पकड़ो। गुरु अर्जन देव जी महाराज ए प्रभु मैं तेरे रस्ते ते इस तरह चलिया हाँ जिमें एक नवा बच्चा चलना सीखता है मुश्किल नाल एक कदम पटता डिग जाता है फिर कदम पटता है फिर डिग जाता है मैं तो उवें हाँ मैं डिगदा वार वार डिग रहा हाँ पुज बल बीर तुहाडियां पुजावां विच बहुत ताकत है बल है तुसी मेरी उंगली पकड़ो मैं डिगदा पिया हाँ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਬਸ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਸ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਪੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਰਤ ਪਰਤ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵਤ ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਰਟੁੱਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਟਦਾ ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਰੀਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੇਠਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜੇਠਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਠਾ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਗਏ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਲੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਵੱਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
रोटी खान नू नहीं, अज उत्थों रोटी मंगदी है, रिजक मंगदी है, मथे टेकदी है, अपना कारोबार मंगदी है। दुनिया च इहो जिहा कोई शहर नहीं, कोई मुल्क नहीं जिथों संगत आके दरबार साहब नतमस्तक ना हुंदी होवे। ओ गुरु, गुरु रामदास जी महाराज अत दर्जे की गरीबी विच जीवन गुजरिया, फिर किवें हौली हौली पिछले जन्मां दा कर्म अंकुरित होया, जो बीज अंकुरित होया गुरु अमरदास जी नाल मेल होया, अत दर्जे की सेवा की, घालना घाली तो उन्होंने घर दे जवाई हो निबड़े। माता जी कहिंदे बच्ची वास्ते रिश्ता लभना है, लभो महिला नूं कहा गुरु अमरदास जी ने, तुसीं लभो। वह कहिंदे आ जिहड़ा ना जेठा ये बड़ा सियाणा है, इहदे वर्गा कोई लभी आपां बच्चा। तो गुरु अमरदास जी कहिंदे भलीए इहदे वर्गा तो यही है, होर नहीं कोई, इहदे वर्गा तो यही है। वेखो घर दे विच उह नाल बच्ची की शादी की, अगों दो जहां की पातशाही सिख संगत का सरताज बना दिता गुरु रामदास जी महाराज जी ने। तो बाकी उन्हां दी अपनी शैली करन दी जो किरिया, गुरु रामदास जी की नगरी गुरु श्री अमृतसर साहब जी ने गुरु रामदास जी की नगरी कहा जाता है। अगों फिर पंजवें पातशाह ने उसारी कराई दरबार साहब जी की। तो हर एक गुरु जिस तरह आते गए, जिस तरह गुरु नानक देव जी ने एक सिख का खाका चित्रिया, एक असी स्कैच दे विच असी जस्ट एक ड्राफ्ट बना देंगे हाँ, खाली पेंटर जल्दी जल्दी लाइना बना के ना एक ड्राफ्ट बना देता है कि यदा खाका है, ये हुण रंग नहीं भरे ये। हर एक गुरु आंदा गया कोई ना कोई रंग भरता गया, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक मुकम्मल तस्वीर बना दी सिख तो खालसे की। दसा गुरुआं दी देन है, कंट्रीब्यूशन है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक स्कैच बनाया, गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने रंग भरिया परमेश्वर के भाणे च रहना, गुरु का कहना मनना। तीसरे पातशाह ने गुरु अमरदास जी ने बड़िया कुरीतियां कटियां, समाज में सती प्रथा को खत्म करवाया, कहिंदे ये तो सुसाइड है, ये तो जबरदस्ती है, घरवाला मर गया जनानी नूं कोई जबरदस्ती थोड़ी चेता च बिठा सकता है। तो अनेक करते करते गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी महाराज की सेवा दे पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी शहीदों के सरताज, छेवें पातशाह महाराज जी उन्होंने फिर एक आर्मी तैयार की थी। नहीं, पंजवें पातशाह तक तो बहुत निम्रता नाल विचरिया गया संसार विच, निम्रता नूं कायरता समझा गया है। नहीं, सिख तलवार भी रखेगा, सिख कलगी भी लाएगा, सिख घोड़े की सवारी भी करेगा। अकाल तख्त साहब जी की नींह रखी, तो अकाल तख्त साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने बनवाया। तो इस तरह हर गुरु आते गए, कोई ना कोई रंग भरते गए। दसम पातशाह जी ने फिर उस चित्र नूं मुकम्मल किया, सारे रंग भरे गए, उसनों खालसा बना के, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में है करो निवास, ये रूप पेश किया। तो अज गुरु रामदास जी महाराज जी का कल जो गुरपुरब है, अज उस दे ईब दे विच जो सिख संगत ने प्रोग्राम आयोजित किए हैं अलग अलग जगह पर, दरबार साहब तो मुख्य केंद्र है ना, तो दूरों दूरों संगत पहुँचदियाँ हैं। कीर्तनी जथे राग दरबार के संगीतक धुना छेड़ के गुरु रामदास जी की बाणी को सिख संगत की झोली च पा रहे हैं, परो के संगीतक धुना दे विच, तो इतनी हाजिरी प्रवान करनी।